हेलो फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी संडे। चलिए आज हम बनाते हैं ब्रोकली की देसी सब्जी। आप देख ही सकते हैं ब्रोकली की देसी सब्जी कितनी कलरफुल होती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ले ली है। पहले हम ब्रोकली को ऐसे काट लेंगे। ब्रोकली का जो फॉरेस्ट पार्ट है उसी को हमें लेना है, और काटने के बाद हम ऐसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद हम काटेंगे बेबी कॉर्न्स। बेबी कॉर्न्स को भी हम उसी बाउल में पानी में भिगो के रखेंगे। इन दोनों सब्जियों को हमें अच्छे से गुनगुना गर्म पानी में सोक करके रखना होता है, क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं और इसे हमें अच्छे से वॉश करना होता है। चलिए अब हम कैप्सिकम को भी काट लेते हैं। हमें कैप्सिकम को बारीक नहीं काटना है, हम ऐसे मोटा मोटा काटेंगे इसे। देन हम काटेंगे कैरेट्स को। उसके बाद टमेटो को भी हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब बारी रही पनीर की। आप चाहे तो घर पे बना हुआ पनीर भी ले सकते हैं। अब हम चॉप करेंगे मशरूम्स को। मशरूम्स को ऐसे लेंथ में हम चॉप करेंगे। देन अनियंस। सारी सब्जियां चॉप हो चुकी है, चलिए अब हम इन्हें पकाते हैं। तो हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें हमें डाल देना है ऑयल। हमने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए हमें इसमें पनीर के क्यूब्स को शैलो फ्राई कर लेना है। मैंने पनीर के क्यूब्स में पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाल दिया है। हम दोनों तरफ से पनीर को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। हम इसे फुल स्टीम में फ्राई करेंगे, बट हाँ, हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम बहुत कम टाइम के लिए इन्हें फ्राई करें, नहीं तो ये बाहर से हार्ड हो जाएगा। मैंने पनीर को दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है, चलिए इन्हें प्याली में निकाल लेते हैं। अब हम उसी तेल में डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डाला है। उसके बाद जीरा। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए हम इसमें डाल देंगे अनियंस को। अनियंस को हम अगले 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हमें डालना है 1 बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे ताकि इससे जो कच्ची खुशबू होती है वो निकल जाए। चलिए अब 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें कवर कर देते हैं। चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। दोस्तों, मैंने स्टीम को पूरे टाइम ही मीडियम लो में ही रखा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड कैरेट्स को यानी गाजर, और इसके बाद हम सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम हाई पे बढ़ा देंगे और सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए इसमें अब हम डाल देते हैं नमक यानी सॉल्ट। सॉल्ट प्लीज आप अपने हिसाब से डालिए। अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स करें और इन्हें अगले 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा ढक दें ताकि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद आप ढक्कन को खोलें
और इसके बाद आपको दिख जाएगा कि सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है और सब्जियां काफ़ी हद तक घट भी चुकी है। अब बारी रही मसालों की। यहाँ मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग पाउडर और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इन्हें। हमें मसालों को डालने के बाद हम अगले 2 से 3 मिनट तक इन्हें ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद हमें डालना है मशरूम। मशरूम को डालने के बाद हम दोबारा कढ़ाई को कवर कर देंगे फॉर 3 to 4 मिनट्स ताकि मशरूम भी अपना पानी छोड़ दे। आफ्टर 3 मिनट्स मैंने सब्जियों को अच्छे से चला दिया था। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी या फिर गुनगुना गर्म पानी। गर्म पानी या फिर गुनगुना गर्म पानी डालने से सब्जियों का टेस्ट सही में बहुत चेंज हो जाता है। आप कभी ऐसे इस्तेमाल करके देखिए। सिर्फ सब्जियों में ही नहीं, दालों में भी अगर आप गुनगुना गर्म पानी डालते हैं उससे टेस्ट का फर्क पड़ता ही है। चलिए अब बारी रही इसे कवर करने। फ्रेंड्स, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैं बार बार इसे कवर करके क्यों पका रही हूँ। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रोकली और बेबी कॉर्न को पकने में टाइम लगता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो मार्केट वाला गरम मसाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे इसमें पनीर। पनीर को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था तो हम इसे लास्ट में ही डालेंगे। पनीर को डालने के बाद हमें इसे एक बारी चला देना होता है ताकि ये अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड किए हुए धनिए को। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को दोबारा मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं घी। घी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें और गैस को ज़रूर बंद कर लें। इसके बाद हमें डालना है इसमें फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर पे बना हुआ फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे आदर विथ राइस और विथ रोटी, जैसा आपको पसंद हो।